भाइयों हमारा शुरू होता है मंडे ब्लॉगिंग, तो न्यू ब्लॉग हमारा शुरू हो चुका है और आज मंडे है और मंडे को कैसा बिजनेस रहता है। हमारे जो ओला उबर में जो ऑटो चलाते हैं उन भाइयों के लिए आज जबरदस्त मौका है, क्योंकि मंडे को बिजनेस ज्यादा रहता है। तो चलिए भाइयों हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, निकलते हैं अपने राइड पे। कोटनाका में खड़े हैं, देखते हैं अभी कोटनाका से कुछ मिलता है क्या। 9:08 हुए हैं, छोटा मोटा 3 बुकिंग करके हम यहाँ पे भाई वर्तक नगर पे है। अब 12:30 हो रहे हैं और ये 12:30 बजे की जो अपडेट है वो हम देना चाहते हैं। ओटीपी है 7635 बोलो वेस्ट। चलिए भैया निकलते हैं फिर बुकिंग के लिए। भाई पहुँचे हैं मुलुंड में और ट्रिप करते हैं एंड, देखते हैं कितना पेमेंट है। 126 हुआ है। ओके चलिए कैश कलेक्टेड। दोपहर के अभी बज गए 1 और हम है अभी मुलुंड में, मुलुंड वेस्ट सोनापुर सिग्नल के पहले जो सिग्नल लगता है वहाँ पे राइट लेके सोसाइटी के अंदर हम आए हैं। और सुबह से जो बुकिंग का दौर था वो तो एकदम ज़बरदस्त था, लेकिन अपने को भी थोड़ा काम था और अपना जो मोबाइल है वो हो रहा है हैंग। अपने को भी बहुत लंबी बुकिंग आ रही थी, लेकिन वो बुकिंग पे जाने के लिए अपना मोबाइल जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बुकिंग। मेरा जो मोबाइल है वो पूरी तरह से हैंग हो चुका है और एक भी बुकिंग मैं ओला की नहीं उठा पा रहा हूँ। तो मैंने अभी उबर की एक बुकिंग लेके मुलुंड वेस्ट में आया हूँ, मतलब लोकल में ही गाड़ी चलाए सुबह से। और सुबह से लोकल में जो किया था बिजनेस वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो के अंदर आप बने रहिए लास्ट तक तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बिजनेस करना है। आज मंडे होने के कारण अंबरनाथ की जो बुकिंग आ रही थी 560 की मैं एक्सेप्ट करने को देख रहा था, लेकिन 2 बुकिंग वो आई और मेरा मोबाइल हो गया हैंग, इस वजह से वो बुकिंग मुझे नहीं मिली। कापरौड़ी में खड़े थे और कापरौड़ी से मुझे एक बुकिंग आई थी, वो बुकिंग भी बहुत बढ़िया बुकिंग थी, अंधेरी वेस्ट 450 की बुकिंग थी और वो भी बुकिंग मैं नहीं उठा पाया। तभी टाइम हो रहा था 8:58 इतना वो टाइम हो रहा था और वो टाइम पे मतलब 9 आए थे और वो बुकिंग भी मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है बुकिंग घुमा रहा था। तो मेरा मोबाइल हो गया पूरा हैंग, तो उसको दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बुकिंग आई लेकिन हम नहीं कर पाए और हमारा बिजनेस भी आज का जो होना चाहिए था वो बिजनेस नहीं हुआ। तो देखते हैं, अभी भी हम मुलुंड में आए हैं और मुलुंड से अभी देखते हैं कहाँ की हमें बुकिंग मिलती है। तो अभी हमने ट्रिप स्टार्ट किया, उनका जो बिलिंग हुआ और हमें जो मिला वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख लो। और अभी यहाँ पे हम खड़े हैं और 1:05 हो रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ से अभी कहाँ की जर्नी मिलती है। ये बुकिंग है थाने वेस्ट ना 5640 कोपरी में ना, कोपरी में। ओके तो भैया ऊबर की ट्रिप थी और हम पहुंचे अभी ईस्ट में थाने और ये ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है मैडम का। तो चलिए भैया देखते हैं यहाँ से कुछ बुकिंग मिल जाती है तो, और क्योंकि आज बिजनेस बहुत डाउन है हम देख रहे हैं अभी, तो मुलुंड से अभी हमें रनिंग में ये बुकिंग लग गई थी तो हम आ गए थाने ईस्ट में। और टाइम तो आप देख रहे हैं 2:01 73 इसका मिला है हमें। ये भाई हमें 2:04 पे तुरंत यहाँ से जैसे हमने गेट से बाहर गाड़ी निकाला वैसे आगे से हमें ये बुकिंग आ गई है और ये है समता नगर थाने वेस्ट की और हम हैं ईस्ट में। तो चलिए भाई कस्टमर के लोकेशन पे हम आ गए हैं, कॉल करते होंगे कस्टमर को हम कॉल करते हैं। हेलो हाँ ये लाल महल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है सामने। ओके मैम। अच्छा कभी कभी क्या आता नहीं जल्दी। हाँ हाँ आज जल्दी आ गए आप। अच्छा तो मैं खाना। ओटीपी क्या है आपका, ये पिन क्या है? 1888 ओके समता नगर है ना। हाँ ओके हो गया, हो गया ऑनलाइन हो गया, ये ट्रिप हो गया एंड और ऑनलाइन पेमेंट हो गया। अभी 2:22 हो चुके जो कोरम मॉल के पास हम खड़े हैं, पांच पकड़ी में हमारे फ्रेंड है वो वेट कर रहा है, तो चलिए वहाँ पे निकलते हैं और थोड़ा एक मीटिंग है वो अटेंड करके उसके बाद हम चल पड़ते हैं। CNG भी हमारा हो गया रेट और उसके बाद में हम देखेंगे। तो भाई दोपहर के अभी बज गए हैं 3 बज गए और हम आए हैं खाना खाने अपने ढाबे पे श्री स्वामी कृपा। यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं, दिखाएंगे हम ढाबे का नज़ारा, ज़रा देख लीजिए। और बहुत भूख लगी है और दिमाग में टेंशन हो गया है क्योंकि आज मोबाइल अपना हो गया हैंग और हैंग होने की वजह से हम बुकिंग नहीं कर पाए। छोटा मोटा बुकिंग करके हमने आज अपना धंधा थोड़ा सा कवर किया है और अभी 3 बज गए हैं, 3 का टाइम हो गया है और हम अभी खाना खाने के लिए अपने ढाबे पे आ गए। आइए देखते हैं भाइयों। तो हम लोग है स्वामी समर्थ ढाबा और अभी थोड़ा भूख लगी है भाई, अभी बोलने का टाइम नहीं है। श्री स्वामी समर्थ अपना ढाबा है और वहाँ पे हम आए हैं, अभी बैठे हैं टेबल पे, देखते हैं अभी खाने में क्या है। राइस प्लेट का ऑर्डर तो दे दिया है और मेरा एक दोस्त है वो भी आया है, तो मैं बोला भाई तू भी खाना खा ले,
आज साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि आज टेंशन ऐसा है कि मोबाइल अपना हो गया है खराब और हम बुकिंग कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा सा मीटिंग था, वो मीटिंग भी अभी हैंडल करके हम यहाँ पे स्वामी समर्थ ढाबे पे अपना खाना खाने के लिए आए हैं। तो खाना खाते हैं, लंच करते हैं दोपहर का, और लंच के बाद मिलते हैं भाइयों। लंच में क्या रेसिपी है, क्या बनाया है, वो भी हम आपको दिखाने वाले, क्योंकि लंच करने का मजा तो कुछ और है। ये आ गई है हमारी राइस प्लेट। तो भाई अभी राइस प्लेट खत्म करते हैं और उसके बाद बातें करते। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। स्वामी समर्थ राइस प्लेट, एक नंबर राइस प्लेट बना दे। हाय फ्रेंड्स, तो हम आ गए थे 5:30 बजे घर पे, और हमारा जो मोबाइल डिवाइस खराब हुआ था, वो डिवाइस खराब होने के चक्कर में हमने CNG भी थोड़ा भरा था, लेकिन सोचा था शाम को अच्छा बिजनेस करेंगे। लेकिन हुआ ऐसे कि हमारी जो मीटिंग थी वो दोपहर की मीटिंग हो गई, उसमें 2 घंटा गया, और उसके बाद में हमने एक बुकिंग उठाया था हीरानंदनी मेडोस का, वो बुकिंग हमने स्टॉप कर दी थी 4:47 में। तो 5:45 बजे के करीब वो बुकिंग हमने एंड कर दी, और वहाँ से हम सीधा घर पे आ गए, क्योंकि हमारा तबीयत हो गया था पूरा डाउन। और अभी रात के जो टाइमिंग हो रहा है, रात के 10 बजने को आए, 10 बज गए हैं, और मैं अभी सो के उठा हूँ, इतना मतलब मेरा तबीयत जो है ख़राब हो गया था। और यहाँ पे हम हमारा ब्लॉग ख़त्म करते हैं। हमारा जो डिवाइस ख़राब हुआ था, मोबाइल में कुछ इशू था, हम ओला उबर की बुकिंग नहीं ले पाए, और कल से देखते हैं, अभी उसको थोड़ा रिफ्रेश और फॉर्मेटिंग भी कर लिया हूँ, तो देखते हैं कल से कैसे बुकिंग आती है क्या। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए भाइयों, गुड नाइट।